अरे पुष्पेंद्र। हाँ सर। यार लोगों को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। देखो हम लोग यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं और कितनी गाड़ियाँ निकल गई यहाँ से, लेकिन लोगों के सिर पर हेलमेट नहीं है। इसलिए यार लोगों को ये लगता है कि हम चेकिंग कर रहे हैं तो मतलब कि हम पैसा खाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों की सेफ्टी हो, क्योंकि एक्सीडेंट में हेलमेट हमारा बहुत साथ देता है। फिर भी लोगों को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। हाँ सर, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे सर, सर वो लड़की देखी? हाँ वो लड़की वो है तो यार। सर वो काफ़ी देर से खड़ी है और लगता है बहुत परेशान है, और अपना विकास भी खड़ा है वहीं पर। चलो चल के देखें। चलो चलते हैं। चलिए सर। अरे हाँ विकास, क्या बात है, कैसे परेशान हो? सर इसके कागज तो कंप्लीट हैं लेकिन लाइसेंस नहीं है। एक मिनट सर सुनिए, मेरे पास लाइसेंस तो है पर मेरे डिजी लॉकर ऐप में पड़ा है, पर ये मानने को तैयार नहीं है। मैं इनको कब से दिखा रही हूँ? आप मुझे दिखाइए मैडम। देखिए हाँ विकास ठीक तो है, इनका लाइसेंस बना हुआ है। सर ये मैडम अपना लाइसेंस मुझे मोबाइल में दिखा रही हैं, इनके पास ओरिजिनल लाइसेंस है नहीं। कोई बात नहीं विकास, ये मैडम अपना लाइसेंस डिजी लॉकर ऐप में दिखा रही हैं, जो कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति अपना लाइसेंस या कोई भी डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर ऐप में दिखाता है तो पूरी तरीके से लीगल होता है, ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति को जाने दिया जाए। ठीक है सर। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, आप जाइए। थैंक यू सो मच सर। इट्स ओके मैम। थैंक गॉड आज उन सर की वजह से बच गई, नहीं तो वो पुलिस वाला मेरा तो चालान काट ही देता आज। देखो विकास, अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए अपना डॉक्यूमेंट जो है किसी भी तरीके से उसके फ़ोन में है डॉक्यूमेंट, तो उसे मान लिया करो, ठीक है? क्योंकि डिजी लॉकर एक पूरी तरीके से अप्रूव्ड ऐप है। ठीक है सर। ठीक है। और यदि किसी भी व्यक्ति के पास हेलमेट नहीं है, ट्रिपल राइडिंग है या कोई और कागज नहीं है, उसको रोकना जायज़ है हमारे लिए, ठीक है? बिना मतलब किसी को परेशान करना ठीक नहीं है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करो सही से। और वो देखो सर, तीन लोग आ रहे हैं और हेलमेट भी नहीं है। रोक। गाड़ी यार से दिलाओ। लाइसेंस है? नहीं सर। इंश्योरेंस? नहीं। तुम्हारे पास ना तो लाइसेंस है और ना ही इंश्योरेंस है गाड़ी का, और ट्रिपल राइडिंग से तुम लोग बाइक चला रहे हो, सर पर तुम्हारे हेलमेट नहीं है, आगे जाके एक्सीडेंट हो जाए तुम्हें पता है क्या होगा? इसलिए हमेशा जब भी चलो सर पर हेलमेट लगा कर चलो, और दो लोगों से ज़्यादा बाइक पर नहीं चलोगे, ठीक है? और गाड़ी का इंश्योरेंस करा लेना और लाइसेंस जरूर बनवाना, ठीक है? देखो आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, ठीक है? अगर आगे से मुझे दिखाई दिए बिना हेलमेट और बिना लाइसेंस के और ट्रिपल राइडिंग में, तो गाड़ी का चालान कट जाएगा, बचोगे नहीं तुम लोग। जाओ चलो, दो लोग जाओगे। थैंक यू सर। यार इन लोगों के पास नहीं तो हेलमेट था ना कोई डॉक्यूमेंट्स था, उसके बावजूद इन सर ने उनको जाने दिया। सच्ची में यार इन सर की आदत बहुत अच्छी है, अगर कोई और पुलिस वाला होता तो इन लोगों से पैसे ठग लेता। क्या बात है, आज के टाइम पे पुलिस डिपार्टमेंट में इन जैसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं, ये सच्ची में वाकई में बहुत अच्छे हैं। चलो तो एक बार मैं इन सर से मिल के देखती हूँ। सर आप ऐसे लोगों को क्यों छोड़ देते हो, 100-200 रुपये देकर ही जाते। अरे विकास आज ही हमें 100-200 रुपये देकर चला जाता तो ये सोचो आप, ये कल के लिए यहाँ पर आता तो ना तो ये अपना लाइसेंस बनवाता और ना ही हेलमेट का इस्तेमाल करता। ये सोचता कि पुलिस को मैं हमेशा 100-200 रुपये देकर काम खत्म कर दूंगा, इसलिए कभी भी ऐसे लोगों से हमें 100-200 रुपये नहीं लेने चाहिए, बल्कि उन्हें ये सलाह देनी चाहिए कि हमेशा अपना हेलमेट का इस्तेमाल करें और लाइसेंस जरूर बनवाएं, ठीक है? तो कभी भी कोई आता है तो बिना मतलब कौन से रुपए मत लो, ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आपसे एक मिनट बात कर सकती हूँ? अरे मैडम आप, हाँ जी मैडम, क्या बात करनी है आपने? सर आपके जैसे इंसान, आपके जैसे पुलिस वाले मैंने फर्स्ट टाइम देखे हैं, बहुत कम होते हैं आपके जैसे लोग इतने ईमानदार कि किसी को कुछ भी होने के बावजूद भी आप ऐसे जाने देते हैं। ये तो हमारा फर्ज है, हमने ड्यूटी इसीलिए ज्वाइन की है कि लोगों की हेल्प कर सकें। आई एम इम्प्रेस्ड सर। क्या सर हम कल मिल सकते हैं? जी बिल्कुल। हाँ तो सर कल मैं आपका गांधी पार्क में वेट करूँगी। ओके। आना जरूर सर। ओके।
सो हेलो गाइस, गाइस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको एक बहुत ही बेहतरीन ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ, जहाँ आप घर बैठे आसानी से पैसा कमा सकते हैं। और गाइस इस ऐप का नाम है बिनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप। और गाइस इस ऐप की सबसे खास बात तो यह है कि ये एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए अवेलेबल है और ये पूरी तरीके से लीगल ऐप है। और इसमें आप बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि गूगल और अमेजोन। और इसमें सिर्फ आपको ग्राफ का प्रिडिक्शन करना होता है, जो कि मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर मुझे लगता है कि ग्राफ की वैल्यू बढ़ेगी, इसलिए मैंने 350 रुपये लगाकर अपर ट्रेड डाल दिया है। और अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस अभी तक तो देखिए ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है और ये देखिए होगी सक्सेसफुल ट्रेड। और यदि आपका प्रेडिक्शन रॉन्ग हुआ तो इसमें आपको लॉस भी हो सकता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये पैसे आप तक कैसे आएंगे, तो ये बहुत ही इजी है। 24 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट और या पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और इसका मिनिमम डिपॉजिट है 350 रुपए। और यदि आप मेरा प्रोमो कोड यूज करेंगे तो आपको मिलेगा इसका डबल, मतलब की 700 रुपए। और यदि आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलेंगे 65,000 रुपए ट्रेडिंग प्रैक्टिस के लिए। तो जल्दी जाओ और डाउनलोड करो बिनोमो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। हाय। हेलो, कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हो? बस मैं भी ठीक हूँ। कितना टाइम लगाया आपने, कितनी देर से वेट कर रही हूँ मैं? सर वो एक्चुअली क्या हुआ था ना कि रास्ते में आ रहा था तो ट्रैफिक ज़्यादा था कुछ। ओके, नो प्रॉब्लम, चलो आओ आगे चल कर बैठते हैं। ओके। वैसे आप ये पुलिस की जॉब कब से कर रहे हैं? मैडम इसके लिए हमें लगभग 4 साल हो गए कम्प्लीट किए हुए। ओके, पर इसमें आपकी फैमिली का खर्चा कैसे निकलता होगा? और आपकी सैलरी भी बहुत कम होती है और वैसे भी आप रिश्वत भी नहीं लेते हैं, तो कैसे होता होगा सब कुछ? मैडम हर चीज़ रिश्वत पर डिपेंड नहीं करती है। और मैंने ये पुलिस की जॉब जब ज्वाइन की थी तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं रिश्वत लूँगा, बल्कि मैंने पुलिस की नौकरी इसलिए ज्वाइन की थी कि मैं देश की सेवा कर सकूँ, और वो आज मैं कर रहा हूँ बहुत ही ईमानदारी के साथ। अच्छा, तो वैसे आप ये बताइए खाएंगे क्या? कुछ भी। फिर भी आप बता दो। कफ आइसक्रीम। आइसक्रीम। अरे वेटर इधर आओ, 2 आइसक्रीम ले आना कप वाली। लेकिन जो लोग पुलिस में आते हैं तो वो जॉब इसीलिए करते हैं कि वो लोगों से रिश्वत ले सकें, घूस ले सकें, उनका मकसद ही यही होता है। थैंक यू। कुछ लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट को इसीलिए बदनाम कर रखा है रिश्वत लेने की वजह से। रोहतास, मुझे आपसे कुछ कहना है। एक मिनट अभी। ओके। अरे हाँ, तुम कुछ बोलना चाह रही थी। हाँ बोलो। हाँ वो मैं आपसे। हाँ बोलो ना। आपसे विल यू मैरी मी? यस सर। थैंक यू। अरे छोटे आ गया तू, बैठ। जी भैया। और आज तू ड्यूटी पर क्यों नहीं गया? भैया वो आज मेरा कुछ पर्सनल काम था, इस वजह से मैं ड्यूटी पर नहीं जा पाया। अच्छा चल, मैंने तेरा खाना रेडी कर दिया और तू खाना खा ले पहले। भैया मैं खाना खा लूँगा, आज मुझे आपसे कुछ जरूर। चल छोटे, जैसी तेरी मर्जी। एक काम कर, उसका कोई फोटो वगैरह है तेरे पास? हाँ भैया है ना मेरे पास। दिखा मुझको। जी भैया। छोटे लड़की तो ठीक है, मैं इसके मम्मी पापा से तेरी बात करूँगा। ओके भैया, थैंक यू। और एक बात और कहना चाहता हूँ तुझसे कि ये जो डिसीजन तूने लिया है शादी का, एक बार और सोच ले। नहीं भैया, मैं इसके लिए पूरी तरीके से श्योर हूँ। ठीक है, चल अब खाना खा ले। थैंक यू भैया, आपने मेरी बात मान ली। यार पुष्पेंद्र सर ड्यूटी पे नहीं आ रहे,
रोज छुट्टी पे रह रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। हाँ यार विकास, कह तो तू सही रहा है। और जब से सर छुट्टी पे हैं तब से कोई मुर्गा भी नहीं फंसा है, कोई चालान भी नहीं कटा है। और सर ड्यूटी पे रहते हैं तो सर चालान काटने नहीं देते हैं, तो आखिर हम करें तो करें क्या। हाँ यार बोल तो तू सही रहा है, आज कोई मुर्गा भी नहीं आया है, उसका चालान काटे यार। देखो कोई आता है या नहीं। यार पुष्पेंद्र देखना, सर दिखाई दे रहे हैं ये तो। हाँ यार सर ही है यार। जैन सर। जैन विकास, पुष्पेंद्र कैसे हो? बढ़िया हैं सर। हाँ सर आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। और सर दिखाई नहीं दे रहे हैं कई दिनों से आप। हाँ यार कुछ जरूरी काम था इसलिए मैं ड्यूटी पर नहीं आ पा रहा था। यार विकास 25 तारीख को मेरी शादी है। आपकी शादी है सर और आपने बताया भी नहीं। हाँ यार जल्दी जल्दी में सब कुछ हो गया था और इसीलिए मैं ये कार्ड देने के लिए तुम लोगों के पास आया हूँ। लेकिन सर किसके साथ? अरे यार विकास मैं क्या बताऊँ तुम्हें, जिस लड़की का तुम चालान काट रहे थे ना उसी लड़की के साथ मेरी शादी फिक्स हो गई है। ओ रियली सर? वाओ कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। कांग्रेस। थैंक यू। ये लो अपना कार्ड। ठीक है तुम लोगों को आना है और ठीक है। ओके सर मैं चलता हूँ। देख ले यार विकास, सर ने हमको बताया भी नहीं, सर की शादी है 25 तारीख को। चलो वाओ क्या ब्यूटीफुल जगह है। काश इस जगह के बारे में मुझे पहले ही पता होता, इतना सुंदर नजारा है। देखता हूँ। अरे यार ये तो वही लड़की है जिसका फोटो मुझे छोटे ने अपने मोबाइल में दिखाया था। शायद वो इसी लड़की से शादी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये लड़की यहाँ पर कर क्या रही है इस लड़के के साथ? मुझे चलकर देखना होगा और छोटे को इसकी सारी हकीकत बतानी होगी। वाह देखो किस तरीके से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, और वो भी प्यार मोहब्बत की बातें। मुझे अभी जाना होगा छोटे के पास और इस लड़की की मुझे सारी हकीकत बतानी होगी। चलो तो चलते हैं, बहुत देर हो गई ना बेबी, मैं निकलती हूँ। ओके बाय। अच्छा तो गले भी मिला जा रहा है। अच्छा कि जो आज मैंने इन्हें देख लिया, वरना छोटा तो अपना भविष्य खराब कर लेता इस लड़की से शादी करके। चलना चाहिए मुझे और उसे हकीकत बता देनी चाहिए। भैया। हाँ छोटे आ गया तू? जी भैया। मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, आ मेरे साथ। हाँ भैया क्या कह रहे थे? वो मैं ये कह रहा था तुझसे, जिस लड़की का फोटो तूने मुझे दिखाया था वो आज किसी और के साथ घूम रही थी। क्या बकवास कर रहे हो भैया? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो देखा है वही कह रहा हूँ और तुझे बता रहा हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसी बात करने की? तुझे अपने भाई की बातों पर विश्वास नहीं है? भैया मुझे आपकी बात पर पूरा विश्वास है, लेकिन मैं आपकी इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता। मैं तभी कह रहा था कि तू शादी वादी के चक्कर में मत पड़। भैया मैंने आपसे बोल दिया है और मैं अपनी शादी का कार्ड भी मार चुका हूँ, उससे मेरी शादी फिक्स है। मुझे पता है तुझे प्यार का नशा है ना, तू पछताएगा। मैं तुझे उसकी सारी हकीकत दिखाऊंगा। वो लड़की करेक्टरलेस है और वो तुझे धोखा दे रही है। बस भैया उसके बारे में मुझे आगे एक लफ्ज भी नहीं सुनना है, समझ रहे हो ना आप? अगर आपने आगे कुछ कहा तो आप समझ लेना। उस लड़की के लिए तूने अपने भाई से इतनी गर्मी में बात की? जा रहा हूँ भैया मैं। हे भगवान मैं इस छोटे को कैसे समझाऊं, ये लड़की इसके लिए ठीक नहीं है, ये उसके प्यार में अंधा हो गया है। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, उसकी सारी हकीकत इसे दिखानी होगी।
अरे ये तो वही लड़की है, लेकिन आज तो ये अकेली है और शायद वो लड़का भी इसके साथ नहीं आया है। ये टाइम सही है बात करने का इससे, चलो इससे बात करता हूँ। ए लड़की सुन। यस। मुझे तुझसे कल के बारे में कुछ पूछना है। कल के बारे में क्यों? कल जो तेरे साथ लड़का था वो कौन था? तुम इतनी बदतमीज से क्यों बात कर रहे हो? तुम होते कौन हो मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने वाले? और जो भी है वो मेरा बॉयफ्रेंड है, और तुम्हें जरूरत क्या है कुछ भी करने की? हाँ मुझे मतलब है तेरी पर्सनल लाइफ से, क्योंकि जिस लड़के से तू शादी करना चाहती है वो मेरा भाई है और मैं उसे धोखा नहीं देने दूंगा। और मैं भी बुलाता हूँ उसे फोन करके, उसे आज तेरी सारी हकीकत बताऊंगा। अच्छा तो मैं भी देखती हूँ कैसे तुम अपने भाई को बुलाते हो और कैसे तुम्हारा भाई तुम पे ज्यादा भरोसा करता है या मुझ पे। बुलाओ। हेलो छोटे, तू मुझ पर बहुत नाराज हो रहा था ना, आज तू हाथी पार्क में आ और मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ। अभी आ। ठीक है आ जा। आ रहा है मेरा भाई और आज तेरी सारी हकीकत मैं उसके सामने बता दूंगा, और फिर तुझे वो अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देगा। आने दो। मुझे लड़की आप आ गए, ये आपके भाई ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वाओ यार, ये तो काजल के लिए बहुत खुशी की बात है कि उसका रिजल्ट आ गया और वो इंस्पेक्टर बन गई। मैं उसे अभी कॉल कर यहीं बुलाता हूँ। हेलो काजल, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। हाँ मैं लग्जरी रिसोर्ट के पास तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हाँ तुम जल्दी से आकर मुझसे मिलो। इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया तुमने? कुछ काम है क्या? काजल तुम्हें पता है तुम्हारा रिजल्ट आ गया है और तुम एक पुलिस इंस्पेक्टर बन चुके हो। वाह सतीश, तुमने कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है मुझे। थैंक यू सो मच। अभी मैं रोहितास को फोन करती हूँ और परसों मेरी शादी भी है, वो सुन के खुश हो जाएंगे। रुको काजल, तुम्हें पता है तुम एक पुलिस इंस्पेक्टर बन चुकी हो और तुम उस मामूली से कांस्टेबल से शादी करने जा रही हो? क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी और उसके जैसे 20 कांस्टेबल तुम्हारे नीचे काम करेंगे? नहीं कर सकती सतीश मैं ऐसा, परसों मेरी शादी है, उसको कैसा लगेगा? मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। काजल तुम पागल हो गई हो क्या? तुम इस शहर को छोड़कर और अपनी फैमिली को लेकर कहीं दूर चली जाओ और अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लो, वो तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। काजल मेरी बात मानो। तुम ठीक कहते हो सतीश, मैं आज के आज ही इस शहर को छोड़ के जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ, तुम अपना ख्याल रखना। ओके। यार ये काजल का फोन क्यों नहीं लग रहा है? और कल हम लोगों की शादी है यार, अभी तो कोई अपडेट नहीं है, कैसे क्या चल रहा है वहाँ पर यार, यानी क्या बात है यार। एक बार फिर से ट्राई करते हूँ। यार एक काम करता हूँ, उसके घर ही जाकर देखता हूँ कैसे क्या है। ठीक है। यार इनके घर पर ताला लगा हुआ है, गए कहाँ ये लोग? यार ताला लगा के ये लोग गए कहाँ होंगे? लेकिन यार फोन भी तो उठाए कम से कम, फोन स्विच ऑफ जा रहा है। यार कल शादी है, मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। गॉड ये क्या समस्या आ गई। सुनिए अंकल जी, बोलो। यहाँ पर काजल और उनकी फैमिली रहती थी, आपको उनके बारे में पता है? इनके घर का ताला भी लगा हुआ है। हाँ मैंने कल तो देखा इनके लिए, हम ना जाने ताला लगा के वो कहाँ चले गए, पता नहीं है। आपको पता नहीं इनके बारे नहीं में? नहीं हमें नहीं पता। ठीक है मिल जाए, आप जाइए। फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है और घर पर भी नहीं है, समझती क्या है अपने आपको? ये कल शादी है, क्या करूँ मैं अब, पता नहीं। अरे छोटे कहाँ चली गई है? छोटे क्या हुआ, बड़ा परेशान दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं हुआ भैया, आप चले जाओ यहाँ से। ये कैसी बातें कर रहा है, नाराज है क्या मुझसे? मुझे आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, एक तो पहले से ही मेरा दिमाग खराब बहुत है, कल मेरी शादी है और वो काजल मुझे छोड़कर कहीं चली गई है अपनी फैमिली के साथ। क्या छोड़कर चली गई? हाँ भैया।
जैसा मैंने सोचा था वही हुआ। मैं तुझे समझा रहा था कि इस लड़की के चक्कर में मत पड़, लेकिन तूने अपनी मनमानी की और मेरी बात नहीं मानी। अब देख ले उसका परिणाम क्या हुआ और समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। मुझे ऐसा पता नहीं था कि वो मेरे साथ ऐसा कुछ करेगी। मैं क्या करूं भैया। चल कोई बात नहीं छोटे, वो लड़की तुझे छोड़कर नहीं गई है, बल्कि उसका घमंड उसको लेकर गया है। क्योंकि कल के अखबार में मैंने ये पढ़ा था कि वो लड़की पुलिस इंस्पेक्टर बन गई है। क्या भैया? हाँ, और तू मामूली सा कॉन्स्टेबल। अब तू खुद सोच, जो लड़की पुलिस इंस्पेक्टर बन जाए वो क्या मामूली से कॉन्स्टेबल से शादी करेगी? वो इसलिए गई है छोटे। लेकिन भैया उसने मुझे बताया तो है नहीं कि वो इंस्पेक्टर बन गई है। जब उसे तुझसे शादी करनी ही नहीं है तो वो तुझे क्या बताएगी? अभी भी दिमाग पे जोर डाल ले छोटे। लेकिन भैया शादी कार्ड बढ़ चुके हैं, मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, अब हमारी जो बेइज्जती हुई वो हुई, अब हम आगे ऐसी बेइज्जती नहीं होने देंगे। मैं तुझे जो समझा रहा हूँ वो ध्यान से सुन। और तू उस लड़की के अगर ठिकाने लगाना चाहता है तो तू उससे भी बड़ा अधिकारी बन और उस लड़की के लिए हमेशा हमेशा के लिए भूल जा। तब उसे पता पड़ेगी कि उसकी क्या औकात है और जो हमारी इज्जत खोई है वो हमारी इज्जत भी वापस आ जाएगी। मेरे भाई मेरी बातों पर ध्यान दे। ठीक है भाई, भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने उसके लिए आपको इतना बुरा भला कहा। कोई बात नहीं, मेरा भाई है तू। ठीक है भैया, ठीक है, मैं पढ़ाई करता हूँ। हाँ भैया, गाड़ी के कागज दिखा। सर कागज कंप्लीट है। ठीक है जाने दो। ठीक है तुम जा सकते हो। सर अब तो आप RTO बन गए, फिर भी लोगों को यूं ही जाने दे रहे हैं। अब तो आप जितने चाहो पैसे कमा सकते हो और आपको तो कोई चेक करने वाला भी नहीं है। ठीक कहा तुमने, हमें लोगों से अच्छे खासे पैसे ले सकता हूँ। आज मैं जो भी हूँ और जिस पोजीशन पर हूँ इन सभी लोगों की दुआ और अपनी मेहनत की वजह से हूँ, इसलिए मैं लोगों से घूस नहीं ले सकता। सर आपके जैसा ईमानदार ऑफिसर मैंने आज तक नहीं देखा, आपके साथ काम करते मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर आप पहले कॉन्स्टेबल थे और आज RTO ऑफिसर हो, फिर भी इतने ईमानदार हो। बिल्कुल, हमें अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ निभानी चाहिए। देखो कोई और आता है क्या? ठीक है सर। ड्राइवर गाड़ी क्यों रोक दी? मैम आगे RTO चेकिंग चल रही है। तुम्हें पता नहीं है मैं इंस्पेक्टर हूँ? गाड़ी आगे लो, कोई हमारी गाड़ी नहीं रोक सकता। गाड़ी आगे बढ़ाओ। जय हिंद मैम। जय हिंद, अपने काम पे अच्छे से फोकस करो, गुड जॉब। ओके मैम, अभी आप नहीं जा सकते, हमें सर से पूछना होगा। विकास यार ये तो वही मैम है ना जिनके साथ सर की शादी हो रही थी और शादी से दो दिन पहले ही अपना घर छोड़कर भाग गई थी। चलो चल के सर को बताते हैं। ठीक है आइए। और आज सर के पास सबसे अच्छा मौका है इनसे बदला लेने का। चलो चल के सर को बताते हैं। सर ये वही मैडम है जिनकी शादी आपके साथ होने वाली थी, आप कहो तो जाने दूँ? कोई बात नहीं, जो भी है गाड़ी चेक करो। ठीक है सर। सॉरी मैम आप नहीं जा सकते, गाड़ी के पेपर दिखाइए और ऊपर से आपने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई है। व्हाट, मामूली से कांस्टेबल होकर तुम मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी को रोकने की? हाउ डे यू। मैम प्लीज कोऑपरेट कीजिए और हमारे साथ चलिए। आइए मैम। चलिए मैं भी देखती हूँ कौन है। अरे रोहिताज तुम और RTO ऑफिसर कैसे बन गए? क्यों मैं शौक लगा गया? तुम इंस्पेक्टर बन सकती हो और मैं RTO ऑफिसर नहीं। कॉन्स्टेबल गाड़ी चेक की थी क्या? जी सर, इनके पास कोई कागज नहीं है और ऊपर से सीट बेल्ट भी नहीं लगाई। अच्छा ये मैडम की पर्सनल गाड़ी है ना, सीज कर दो। क्यों? ठीक है, रूल इज रूल। ठीक है सर, फॉलो करना है, सीज करो और भेज दो उनके लिए पैदल। मैम थैंक यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी सीज करने की? तुम्हें पता नहीं मैं इंस्पेक्टर हूँ? तुम इंस्पेक्टर हो तो मैं क्या करूँ, रूल सभी को फॉलो करना होता है, समझ गई? गाड़ी ले लो इनकी और जाने दो इन्हें। ठीक है सर, मैं गाड़ी साइड करता हूँ। मैडम आप तो इंस्पेक्टर थी फिर भी आपकी गाड़ी सीज कर दी। ड्राइवर आप नहीं समझोगे ये बहुत पुराना मैटर है। वाह सर आज तो मजा ही आ गया। तुमने तो अपनी ड्यूटी की है ना। आओ चलते हैं।